तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये डिजिटेक लाइट वेट ट्राईपॉड की। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे DTR550LW। इसके डब्बे पे इसकी फ़ोटो भी दी हुई है। एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा ट्राईपॉड है जो कि सारे बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आप नीचे देख सकते हैं इस पर क्लियरली मैंशन है कि ये पोर्टेबल है और ये डाई कास्टेड मैग्नीशियम बॉडी से बना हुआ है। फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला फीचर है टू वे हेड विद एडजस्टेबल पैन। इसको आप साइडवेज और ऊपर नीचे पैन कर सकते हैं। इसका सेकंड फीचर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टेडी रबराइज्ड लेग्स, मतलब इसके जो लेग्स हैं उसके अंदर थोड़े से रबर के अटैचमेंट्स दिए हुए हैं ताकि इसमें जर्क्स ना आए और ये स्लिप ना करे। इसके अंदर देख सकते हैं थर्ड फीचर है कन्वीनियंट एसेसरीज़ का हुक, इस पर आप अपनी एसेसरीज हैंग कर सकते हैं। देन बबल हेड टू एडजस्ट हॉरिजॉन्टल पोजिशन, मल्टीपर्पज़ हेड विद क्विक रिलीज, आप इसको इसके हेड को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्वीप कर सकते हैं जिससे आपका जो कैमरा है वो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वीडियोस ले सकता है। और इसका जो हेड है वो मल्टीपर्पज़ है, मतलब इस पर अलग अलग तरह के कैमरा फिट भी हो सकते हैं। इसकी थर्ड साइड को देखेंगे फ्रेंड्स तो इस पर इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं एंड ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये ट्राईपॉड की मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इज़ 5 kg। आप इस पर 5 kg 5 किलो तक का कैमरा लोड कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.6 feet है और ये खुले में है। जब ये पूरा खुल जाता है, जब ये पूरा फोल्डेड होता है तो ये 600 mm के करीब इसकी हाइट है, वो जो कि आप एक डब्बे के साइज़ से भी देख सकते हैं। इसका जो ट्यूब डायमीटर मैक्सिमम है वो 26 mm का है और मिनिमम जो है वो 20 mm है। इसका वेट फ्रेंड्स 1200 ग्राम है, मतलब 1.2 kgs एंड इसके अंदर तीन सेक्शंस हैं। इसकी हर एक लेग के अंदर तीन सेक्शंस हैं। बताओ फ्रेंड्स इसे खोल के देखते हैं कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एक ट्राईपॉड बैग के साथ आता है, आप इस बैग को आराम से कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं। आइए अब इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर से ये ट्राईपॉड इस तरीके से निकला है। अब इसको भी एक बार, तो फ्रेंड्स ये है हमारा ट्राईपॉड। आइए इसे पूरे तरीके से ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले ये इसका हेड है, ये अपनी पोजीशन पे इस तरीके से आ जाता है। इसके हेड को देख लीजिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको साइडवेज पैन और इस तरह से इसको अप डाउन पैन कर सकते हैं। इस पर लेवल इंडिकेटर भी दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपका कैमरा हेड फिट हो जाता है एंड इस तरह से इसको आप वो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये आप इसकी कैमरे को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी इस पर माउंट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप इसकी मूवमेंट को टाइट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसकी लेग्स को एक बार ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये इसकी मिनिमम हाइट है जो कि हमने आपको बताया था कि 600 mm है अप्रॉक्सीमेटली। और ये इसके फ्रेंड्स लेग्स के लॉक्स हैं, आप जैसे ये लेग्स के लॉक्स को ओपन करते हैं ये रबराइज्ड ग्रिप्स हैं और ये इस तरीके से एक्सटेंड हो जाती हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये हुक है यहाँ पे एक्सेसरीज़ को हैंग करने के लिए, काफ़ी स्टर्डी लग रही है। फ्रेंड्स इसके हेड में एक हमको वर्टिकल मूवमेंट भी मिलती है, आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा लीवर दिया हुआ है। इस लीवर को अगर इस तरह से पोजीशन में करके अगर इसको गोल घुमाया जाए तो ये इसका हेड ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे मूव कर सकता है एंड इस तरह से आप अपने एंगल कैमरा शॉट्स को बहुत कन्वीनियंटली पोजीशन कर सकते हैं वर्टिकल मूवमेंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स आइए इस पर एक बार कैमरा माउंट करके भी देख लेते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे ये कैमरा माउंट हो जाता है और आप उसके बाद इसको बहुत कन्वीनियंटली इस तरह से पैन कर सकते हैं या फिर इसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ आप इसको वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप कैमरे को वर्टिकल एंगल पे भी इसके साथ आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्राईपॉड है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। इसका बेस्ट बाय लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अपने प्राइस के लिए जस्टिफाइड है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।